तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं चित्रकूट से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे, तमाम बड़े दावे उनकी तरफ से, विरोधी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। और अब ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हरी झंडी दिखाकर जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़ा हर एक बड़ा नेता इस मंच पर आपको दिखाई देगा, जन आशीर्वाद रथ यात्रा जिसे आरंभ करने का जिम्मा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर, बीजेपी के झंडे लिए कुछ कार्यकर्ता भी नजर आ रहे होंगे और हरी झंडी दिखाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जन आशीर्वाद यात्रा रवाना होती हुई रथ पर सवार बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप देख रहे हैं, तमाम बड़े नेता पूरी तरह से तैयार इस जन आशीर्वाद यात्रा को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ लगातार मौजूद, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है ये भी आप समझिए। इससे पहले भी गर्मजोशी के साथ संबोधन, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, ये मंच की तस्वीरें कुछ देर पहले की और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं, जन आशीर्वाद यात्रा जिसे हरी झंडी दिखाना आज का मकसद था, आज का मुख्य कार्यक्रम, और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिस पर मौजूद है जेपी नड्डा और ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय की भी मौजूदगी। भारत माता की जय इन नारों के साथ इस यात्रा का आगाज करते हुए कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आएंगे, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा रथ पर सवार, और साथ में ही जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया उस पर मौजूद है जेपी नड्डा, हरी झंडी दिखा रहे हैं इस रथ को। जनता तक पहुंचना मकसद, हर संभाग को साधने की कवायद, हर व्यक्ति तक, हर घर तक ये यात्रा पहुंचे, ये मकसद। ये 13 जिलों में निकलेगी, 44 विधानसभा सीट को ये रथ कवर करेगा। आपको राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं, मंत्री नरोत्तम मिश्रा रथ पर दिखाई दे रही है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जन आशीर्वाद रथ यात्रा का जो रथ है उसका आगाज भाजपा ने यात्रा का आगाज कर दिया है और उस रथ को रवाना किया गया है और यह रथ आज बिंद के लिए निकल चुका है और यह 13 जिलों की 44 विधानसभा सीट पर पहुंचेगा। तो भगवान श्री राम की तपोस्थली से शुरू हुआ, यह रथ राम राजा की नगरी ओरछा पर जाकर समाप्त होगा के और वहां पर रथ यात्रा का विराम होगा। इस बीच 13 जिलों की 44 विधानसभा सीट को भाजपा कवर करेगी, इसी चार अन्य यात्राएं और निकलेगी। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18। तो ये लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें, हमारे सहयोगी भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं किस तरह से इस यात्रा का शुभारंभ होना है, जो तय किया गया था बैठकों में, रोड मैप क्या रहेगा, किन किन लोगों की मौजूदगी होगी, ये तमाम तस्वीरें आप जमीनी स्तर पर उतरती हुई आपको नजर आती हैं। यही मंथन जो अब जमीनी स्तर पर रूपरेखा लेता है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाते हुए इस रथ को रवाना कर रहे हैं। रथ पर सवार हैं कैलाश विजयवर्गीय, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और अब जन आशीर्वाद यात्रा का विधिवत आगाज मध्य प्रदेश में हो चुका है। हर एक व्यक्ति तक पार्टी की योजनाओं का प्रचार करना मकसद, आशीर्वाद देना आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये एक बड़ा मकसद, और अपोजिशन पार्टी पर जिस तरह से निशाना साधा है, उत्साह भरने का काम जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के अंदर भी उनकी तरफ से किया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप लगातार देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी हैं माइक से संबोधित, वहां से ही कर रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है और अब ये रथ अलग अलग संभागों में पहुंचेगा। आ चुके चित्रकूट से आप इसका आगाज देख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ और केंद्रीय नेताओं को आप देखेंगे, राजनाथ सिंह जिसमें शामिल रहेंगे, अमित शाह भी पहुंचेंगे अलग अलग संभागों से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग जिलों के लिए। आशीर्वाद देने हम जा रहे हैं, हमने जनता के बीच में काम किया है, जनता हमें आशीर्वाद देगी।
यहाँ पे ऐसा जिस भगवान श्री राम की नगरी से शुरुआत हुई है तपोस्थली से, हम राजनीति में काम करते हैं तो तपस्या ही करते हैं जनसेवा के लिए। इस बार के चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं?